उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखो, इससे पहले मैंने आपके लिए क्या क्या शुरू कर दिया और क्या क्या पढ़ा दिया है। हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल रही हैं। हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको दो पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं, पृथ्वी का भूगर्भिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता। ज्योग्राफी का पहला पार्ट शुरू किया है और उस पार्ट का नाम है भौगोलिक, भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल मैप की पूरे की हम बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स शुरू किए मैंने 12 तारीख से और 18 तारीख तक की मैंने करंट अफेयर्स कर दिए। जो भी दोस्त साथी आज नए जुड़े हैं, मैं प्लीज सभी वीडियो को देखो, आप मेरे साथ जुड़े रहो। मैं इतना मैटर दे दूंगा आपको कि पेपर से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और प्लीज अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने मेरी इस बात को। मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स की वीडियो कम देख रहे हो आप लोग और ये वाली वीडियो ज्यादा देख रहे हो। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव भी आपके बहुत काम का है, लेकिन वनडे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। और आपने देखा होगा मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें विविध मिसलेनियस स्टैटिक जीके का कितना पोर्शन कराता हूं, 8 से 10 नंबर का आता है। अगर आपने वो कवर नहीं किया, और वही गलती होती है हमसे बार बार पेपर में जाके कि वही पोर्शन नहीं कर पाते, हम मेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उस पोर्शन को प्लीज जरूर देखो। देखो, मैं इसलिए आपको प्रेशर नहीं कर रहा हूं कि मुझे व्यूज या लाइक चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो पोर्शन अगर छोड़ दिया और ये कवर कर लिया तो फिर आपके जीएस में अच्छे नंबर नहीं आएंगे और फिर बोलोगे सर हमारे नंबर नहीं आ रहे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात की, करंट अफेयर्स को जरूर देखा करो, वहां से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में। और उससे काफी सारी चीजों को मैं लिंक करके बताता हूं, चाहे वो इकोनॉमिक चीजें हो, हिस्ट्री की कोई चीज हो, और चाहे स्टैटिक जीके की हो, ज्योग्राफिकल चीज हो, बहुत सारी चीजें मैं लिंक करके उसमें बताता हूं, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, सभी शेयर करो, शेयर नहीं करते हो आप लोग, शेयर करो चलो जल्दी जल्दी चैनल को, और लाइक करो और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, मैंने बोला है कमेंट जरूर करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, आज के लिए हिस्ट्री की क्लास होगी, ऐसे ही चलता रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर्स, फिर बीच में आपको पॉलिटी भी शुरू कर लूंगा आपके लिए, दो क्लासेस और रख लेंगे बीच में, फिर बायोलॉजी की भी क्लास शुरू हो जाएगी, मिलेगा सब कुछ। मैं बोला धैर्य रखो, बस मेरे साथ जुड़े रहो, मैं हूं ना काफी आपके लिए, बहुत है जब तक मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं छूटने वाला है आपका। ठीक, और गारंटी कह रहा हूं, देखना बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके आने वाले पेपरों में, अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, जिस जुनून से अभी पढ़ रहे हो छोड़ना मत, और सभी को जोड़ते रहो, आपका भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। ठीक है, सबको जोड़ो, क्योंकि मैं सबके लिए हूं, स्पेशल किसी एक के लिए नहीं हूं, सभी दोस्तों के लिए हूं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, इतना इंपॉर्टेंट कि यहां से क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है, और जब भी क्वेश्चन आता है हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर का तो इसका पढ़ लिया होता है हमने, लेकिन जो वास्तव में क्वेश्चन देता है वो हमने नहीं पढ़ा होता है। और इसी की शुरुआत करते हैं, वो हिस्ट्री जो भारत की मेन हिस्ट्री कही जाती है, जहां से हमें साक्ष्य मिले और पढ़ने का इतिहास शुरू हुआ, जो कुछ लिखा गया उसको हमने पढ़ा, और यहीं से हमारा ऐतिहासिक काल भी शुरू होता है। क्योंकि हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो पहले पार्ट में ना पढ़ा गया ना लिखा गया, दूसरे पार्ट में लिखा गया बट पढ़ा नहीं गया, आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया हमने, तीसरा पार्ट ऐतिहासिक काल, यहां से सब कुछ जो लिखा गया वो सब कुछ पढ़ा गया। ठीक है, तो इसी की शुरुआत करते हैं आज हम, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इस वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर किसी सभ्यता का निर्माण हुआ था, किसी संस्कृति का निर्माण हुआ था, तो उसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसे वैदिक संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जितनी भी जानकारी है हमें वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। वैदिक संस्कृति की सभी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वैदिक संस्कृति की, वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई थी आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी?
आर्यों के द्वारा। अब आर्य का जो मतलब होता है वो होता है श्रेष्ठ, ठीक है, अभिजात, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ज्ञानी। आर्य का मतलब अभिजात, श्रेष्ठ, ये इसका मीन्स होता है आर्य का। अब देखो यहां से शुरुआत होती है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है यहां पर वो ये आता है कि जो आर्य लोग थे वो आए कहां से थे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है यहां से, ठीक है। बाकी मैप में पूरी आज एकदम से बेहतरीन क्लास करेंगे, यहां पर क्लास छोटी रहेगी, दो तीन पार्ट्स में इसको भी कंप्लीट करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, पार्ट चाहे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कहां से आर्य आए थे सबसे पहला क्वेश्चन यही है, तो इसके बारे में काफी ज्यादा मतभेद था कि कहां से आर्य आए थे। तो उन्हीं चीजों को जो मतभेद रहे हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने वक्तव्य बोले हैं कि यहां से आए थे यहां से, तो मैंने सारी चीजों को लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं देखता है कि कहां से आए थे। तो एक हमारे इतिहासकार हुए डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इतिहासकार है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, और इनकी पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया। देखो सारी चीजों को नोट कर लेना जितनी मैं बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कहीं नहीं पढ़ने को मिल रहा आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। ऋग्वैदिक इंडिया, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में इन्होंने लिखा है कि जो आर्य आए थे ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश। अभी आगे बात करेंगे कि ये प्रदेश कौन सा है, सारी चीजों को क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, कोई डाउट आपका रहेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा देखोगे यहां पर लिखा हुआ है महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा, महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा, और इन्होंने क्या बोला है कि आर्य बहर्षि प्रदेश से आए थे। अब ये बहर्षि प्रदेश कौन सा है ये भी मैं आपको जिक्र करूंगा। तीसरा है डॉक्टर राजवली पांडे, और डॉक्टर राजवली पांडे ने क्या बोला है कि आर्य लोग कहां से आए थे, मध्य देश से आए थे। कहां से आए थे? मध्य देश के निवासी थे। चौथा है इसमें एलडी कल्ला, एलडी कल्ला, और एलडी कल्ला ने बोला है कि ये लोग कश्मीर अथवा हिमालय के क्षेत्र से आए थे, कश्मीर अथवा हिमालय के क्षेत्र से आए थे। नेक्स्ट है डी एस त्रिदेव, नेक्स्ट जो इतिहासकार है डी एस त्रिदेव, और इन्होंने क्या बोला है कि देविका प्रदेश। अब ये देविका प्रदेश की पहचान क्या है? मुल्तान। क्या पहचान है? मुल्तान से आए थे। मुल्तान कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक। नेक्स्ट देखोगे इतिहासकार स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत नाम सुना होगा, और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक बहुत फेमस है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत फेमस पुस्तक है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, और दूसरी किताब है इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। दो किताबों के नाम याद रखने, सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, और इसमें क्या बोला इन्होंने कि ये कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत के इतिहासकार है उनको स्पेशली ध्यान रखा करो, ठीक है, तिब्बत से आए थे। नेक्स्ट सातवां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस टिक लगा लो कि पेपर में आएगा तो यही आएगा, टिक लगा लो पेपर में आएगा तो यही आएगा, मैक्स मूलर, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के साथ जेडी रीड, इनका भी नाम याद रख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें? मैक्स मूलर, और इन्होंने अपनी किताब में लिखा है यहां पर लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ये इनकी एक है टेक्स्ट है लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये कहां से आए थे? मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए थे। नेक्स्ट देखो है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला है? उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे, और इन्होंने इसको किसमें लिखा? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, इनकी किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, में बोला है इन्होंने उत्तरी ध्रुव से आए थे। एक और इतिहासकार है गाइल्स, और गाइल्स ने क्या बोला है? यूरोप में डेन्यूब नदी घाटी, यूरोप में डेन्यूब नदी घाटी और हंगरी देश से आए थे, ये हंगरी देश और डेन्यूब नदी घाटी से आए थे, यूरोप के अंदर ये दोनों जगह है। पेंका देखोगे जर्मनी से बोला इन्होंने, पेंका इतिहासकार है, इन्होंने बोला ये जर्मनी से आए थे। और एडवर्ड मेयर और ओल्डेनबर्ग और कीथ, तीन वैज्ञानिक है, तीन इतिहासकार है, एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग और कीथ, इन्होंने क्या बोला है कि ये मध्य एशिया के पामीर पठार से आए थे। मध्य एशिया के पामीर पठार मतलब लगभग तिब्बत वाला एरिया, ठीक।
देखोगे यहां पर एक और इतिहासकार है नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, इनका नाम तो कई बार आ चुका है पेपर में, अगर आप मेरे पीछे वीडियो देखोगे तो आप इनका नाम भी देखोगे कि इनका नाम मैंने वहां भी लिया था, नव पाषाण काल में इन्होंने क्रांति काल बोला है। तो गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग ने क्या बोला है, दक्षिणी रूस से आए थे, मतलब रूस के दक्षिण वाले पार्ट से आए थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, वे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करना है। जब आप पीसीएस लोअर पीसीएस आईएएस के प्री में बैठते हो तो वहां पर ये वक्तव्य दे देता है, हो सकता है छोटे एग्जाम में ना दे लेकिन वहां से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, बाल गंगाधर तिलक का पूछ लेगा, मैक्स मूलर का और दयानंद सरस्वती का, इन तीन का तो इंपॉर्टेंट है ये, बाकी सिविल सर्विसेज में आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे सकता है, इंपॉर्टेंट है तीनों पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पर तो ये बात हो गई कि ये आए कहां से थे, अब इसमें अब बोलोगे सर अब ये तो बताओ कि आए कहां से थे, ये तो बहुत सारे वक्तव्य हो गए इनके, अब पेपर में क्या आंसर लगाना है। तो सब ज्यादातर जो मत रहा है वो बहुमत रहा है, वो किसके बारे में सही माना गया है, मैक्स मूलर, मैंने बोला था ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसको ज्यादातर सही माना गया है कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए थे। तो जितने भी वर्ल्ड एग्जाम्स हैं आप उसमें अगर पूछता है कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया लिखा होगा या तो, या मध्य एशिया में बैक्टीरिया लिखा होगा, कोई एक ऑप्शन इसमें लिखा होगा, ठीक है, मध्य एशिया बैक्टीरिया होगा या मध्य एशिया लिखा होगा इसमें सिर्फ, ठीक। तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा कि आर्य आए कहां से थे, कौन कौन से इतिहासकार के क्या मत थे, उसके बारे में बात करें, ओके ठीक है, आगे बढ़े, ओके वेरी गुड। चैनल को भाई जल्दी जल्दी शेयर करो, लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो फटाफट, कैसा लग रहा है सेशन, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट फटाफट बताया करो, देख के मुंह उठा के आते हो चले जाते हो, जल्दी जल्दी बताओ कैसा लग रहा है सेशन। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ अब यहां से शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। अब वैदिक संस्कृति की बात की जाए स्टूडेंट, तो इसका पूरा जो समय रहा है वो 1500 BC से लेकर 600 BC का पूरा टाइम पीरियड रहा है, मतलब ये पूरी वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैदिक संस्कृति का पूरा टाइम पीरियड कितना है, 1500 BC से लेकर 6000 BC तक वैदिक संस्कृति का पूरा टाइम पीरियड रहा है। अब इस वैदिक संस्कृति को दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड करूंगा मैं, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक सेकेंड, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और इसमें पहला पार्ट है जिसको बोलेंगे हम ऋग वैदिक काल, और दूसरा पार्ट क्या है इसमें, उत्तर वैदिक काल, दो पार्ट है, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड। अब देखो ऋग वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो 1500 से लेकर 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का रहा है, मतलब ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पूरे 500 साल में हुई है, और जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर देखोगे ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक का पूरा टाइम पीरियड रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर अगर वेद की बात आई है तो सभी आप जानते हो वेद चार, कौन कितने, चार, तो इसमें सबसे पहला वेद कौन सा, ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है, ये तीन चार वेद है जिसमें से एक सिर्फ मात्र अगर ऋग्वेद की बात कर रहे हो तो ऋग्वेद का अपना ही काल 500 वर्ष का रहा है पूरे के पूरा, ठीक है, बाकी तीन वेद कहां पर रहे, 1000 से 600 BC के अंदर उनकी रचना की गई है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा रहना है आपके लिए, सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक काल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये मैपिंग है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है कि आर्य कहां से आए थे और कहां आकर बसे थे, अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहां पर, यहां से शुरुआत होनी है, ऋग्वैदिक काल से इसकी शुरुआत होनी है। अब देखो इन वेदों में ये जानकारी मिलती है कि जब ये मध्य एशिया से आए आर्य, आर्य क्या है, एक भाषाई पहचान है, लिंग्विस्टिक एक पहचान मानी जाती है, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, इसी को हमने क्या माना, आर्य भाषाई पहचान है, ठीक है। तो ये लोग जब आए तो ये लोग सबसे पहले आकर बसे कहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। अब सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था,
इसमें सप्तसेना प्रदेश माना जाता है अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जो अफगानिस्तान है उसका ये पूर्वी हिस्सा, और पंजाब वाले क्षेत्र को क्या माना गया है, सप्तसेना प्रदेश माना गया है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से और पंजाब के क्षेत्र को सप्तसेना प्रदेश माना गया है। अब इसको सप्तसेना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग सात नदियों के ओड़ पास आकर बसे थे। सप्त का मतलब होता है सात नदियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये सात नदियां कौन कौन सी हैं, उसकी भी एक बारी बात कर लेते हैं। तो इसमें एक नदी कौन सी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसके बाद यहां पर झेलम, क्या बोलते थे इसको, झेलम को वितिस्ता नदी, क्या बोलते थे, वितिस्ता नदी। एक और नदी है यहां पर चिनाब, पौरुषी नदी बोलते हैं इसको, है ना। इसके बाद है आपका चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद है व्यास, विपासा, ठीक है। इसके बाद है सतलज और एक है यहां पर सरस्वती, हो गई सात, तीन और चार सात। ये सात नदियों को ही सप्तसैंधव प्रदेश के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसके ओर पास का जो एरिया था इसे सप्तसैंधव प्रदेश बोला गया। लेकिन अब ये पूछोगे सर क्या ये सात नदियों की ही बात थी क्या ऋग्वेद में, नहीं, ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र किया गया है। कितनी नदियों का जिक्र किया गया है, 25 नदियों का जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी का जिक्र हुआ है, वो हुआ है सिंधु नदी का जिक्र। कौन सी नदी का हुआ है, सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। और इसके अलावा गंगा नदी का जिक्र इसमें, गंगा, गंगा और सरयू नदी का एक बार जिक्र हुआ है। यमुना नदी का जिक्र कितनी बार हुआ है, यमुना नदी का दो बार हुआ है। लिखते चले आना भाई, ये एक मैंने क्या बोला है, देखो पढ़ने का तरीका मुझे फॉलो करने लगो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। जैसे बोलता हूं वैसे करो। पहले आराम से जब मैं पढ़ाता हूं, पहली बार जब वीडियो देख रहे हो, आराम से सुकून से बैठो, कहीं पर भी वीडियो में ईयरफोन लगाओ और देखना, बस वीडियो को देखो एक बार, कुछ मत करो, कोई पेपर पेन कॉपी कुछ नहीं लेना है आपको। पहली बार में वीडियो को देखो, वीडियो देख ली कोई बात नहीं, जब आपका मन हो दोबारा घंटे दो घंटे चार घंटे बाद देखने का, फिर वीडियो को देखो, शुरू करो, पेन कॉपी लो, नोट बनाओ अपने, वहां से लिखना शुरू करो, वीडियो को पॉज कर करके लिखना शुरू कर दो। ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत जल्दी आपका ये कवर होता चलेगा। आप ये सोचो कि मैं पहली बार में वीडियो देख रहे हो और इसको हम लिखते चले आए, बस लिख लोगे उसे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा भाई, वो याद नहीं होगा आपको। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो, देखो कितना मजा आने वाला है आगे चल के, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। सारी चीजें जैसे मैं बताता हूं ना आपको, ऐसी आपको कंठस्थ हो जाएंगी सारी चीज, ठीक है। तो इसमें गंगा और सरयू नदी का एक बार, यमुना नदी का दो बार जिक्र किया गया। इसके अलावा यहां पर अफगानिस्तान की भी कुछ नदियों का जिक्र है, जैसे एक नदी है इसमें कुर्रम नदी, कौन सी है, कुर्रम नदी, कुमरू भी बोला गया है इसको, ठीक है। दूसरी है काबुल नदी, काबुल नदी। एक नदी है गोमल नदी, इसको गोमती भी बोला जाता है, लेकिन ये अफगानिस्तान वाली है, इसे गोमल ही याद करना, गोमल नदी, गोमल, ठीक है, गोमल नदी। और एक है स्वात नदी, कौन सी है, स्वात नदी। तो ये अफगानिस्तान की नदियां हैं जिनका जिक्र किया गया है, कुर्रम नदी, काबुल नदी, गोमल नदी और स्वात नदी। इसके अलावा कौन सी नदी का जिक्र किया गया है, गंडक नदी का भी जिक्र है। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं, 25 नहीं याद करनी आपको, गंडक का जिक्र है और घग्गर नदी का भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नदियां मैंने यहां पर बताई है कि कौन सी नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है, सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है, गंगा और सरयू का कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, यमुना का कितनी बार हुआ है, दो बार हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नदी कौन सी हो गई, सिंधु नदी, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नदी कौन सी हो गई, सिंधु नदी। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि बताइए ऋग्वैदिक काल की सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी थी, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तब आंसर क्या टिक करोगे, सरस्वती। प्रसिद्ध पूछेगा तो सिंधु, पवित्र पूछेगा तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी, और सबसे प्राचीनतम नदी भी कहा जाता है सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को प्राचीनतम नदी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई, इतने याद रख पाओगे। कितनी नदियों का जिक्र है टोटल, 25 नदियों का, कितनी का,
25 नदियों का, बाकी का जितना भी मैंने आपको बताया है स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चले जाओ आप लोग, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। तो सबसे पहले आर्य लोग कहां पर आके बसे? सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश की पहचान मैंने आपको बताई, पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब के रूप में की जाती है, ठीक है। अब ये लोग जब भारत में आए तो क्या इससे पहले भारत में कोई नहीं था, कोई नहीं रह रहा था इधर क्षेत्र में? हाँ भाई, रह रहे थे यहां पर, और जो रहते थे लोग उनको बोला गया अनार्य। क्या बोला गया? अनार्य, या उनको बोलते थे दास या दस्यु, दास या दस्यु उनको बोला गया। जब ये लोग यहां पर आए तो उन्हीं लोगों ने, अनार्य लोगों ने या दस्यु लोगों ने इन लोगों का विरोध किया कि भाई आप लोग यहां पर नहीं बसोगे, आप दूसरे प्रदेश से आए हो, आप लौट कर जाओ, आप हमारे समाज को खराब करोगे, आप हमारी संस्कृति को खराब करोगे। होता है भाई इस तरीके से, आपके घर में भी कोई घुसेगा तो क्या आप घुसने थोड़ी ना दोगे? तो जब दोनों में इस बात की तकरार हुई तो क्या होगा यहां पर? फिर स्वाभाविक सी बात है, युद्ध होना शुरू हुए, ठीक है। युद्ध हुआ इनके बीच में। अब जब युद्ध हुआ तो जो आर्य थे इनके पास भी 5 कबीले, और जो अनार्य थे इनके पास भी 5 कबीले, ठीक है। एक बार मैं आर्य कबीले के नाम भी बता देता हूं, आपको पूछ लेता है पेपर के अंदर। आर्य जो कबीले थे उसमें एक कबीले का नाम था पुरु, पुरु, एक का नाम था यदु, एक का नाम था अनु, एक का नाम था तुर्वसु और एक का नाम था द्रुहु। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक मैं लिख देता हूं यहां पर। आर्य जो कबीले थे उसमें एक का नाम था पुरु, एक का नाम था यदु, एक का नाम था अनु, एक का नाम था तुर्वसु और एक का नाम था द्रुहु। ये आर्य कबीले थे, और इसी आर्य कबीले में एक वंश था जिसका नाम था भरत। वैसे वंश तो इसमें और भी थे, त्रिवी वंश भी था इसके अंदर, त्रिवी, त्रिस्सी वंश भी था। वंश तो कई थे, वो सब याद नहीं करने आपको, भरत था, त्रिवी था, त्रिस्सी वंश था, तो ये कुछ वंश थे। और दूसरी तरफ जो 5 थे अनार्य थे, तो उन 5 अनार्यों में, जैसे उसमें भी 5 ही वंश थे, जैसे एक अकिन्न था, शिवी था, वशाणी था, ठीक है, एक उसमें महानाश था, तो ऐसे करके उसमें भी 5 ही थे, ठीक। तो उसमें 5, इसमें 5, ठीक। अब यहां पर जो भरत कबीला था, ये वाला जो भरत कबीला था, इस भरत कबीले के जो राजा थे उनका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास, ठीक। अब इनमें लड़ाई हुई, और उधर जो कबीला था उसके राजा थे विश्वामित्र। ये वो वाले विश्वामित्र नहीं, ठीक है, ये अलग है, विश्वामित्र। अब जब इन दोनों कबीलों में लड़ाई हुई, आर्य और अनार्य, ऐसे याद कर लेने, ठीक है, आर्य और अनार्यों में जब लड़ाई हुई तो जीत किसकी होती है इसमें? भरत कबीले की, मतलब आर्य लोग जीतते हैं। जब भरत कबीले की जीत हो गई इसमें, तो इसी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया। क्या पड़ा? भारतवर्ष। तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भरत के नाम पर, वो भरत के नाम पर पड़ गया, नहीं, भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारतवर्ष पड़ा है। अब देखो ये जीत गए, अब जीतने के बाद क्या होगा भाई? आर्य लोग जीते तो ये बसेंगे यहां पर, अपना समाज बनाएंगे, अपनी संस्कृति बनाएंगे यहां पर, अपनी राजनीतिक व्यवस्था चलाएंगे, अपनी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सारी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब ये लोग यहां पर जीत गए तो ये युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को बोला गया दशराज्ञ युद्ध। दशराज्ञ युद्ध के नाम से इसको बोला गया है। ये युद्ध आर्यों ने जो जीता था, दशराज्ञ युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था, इसको आर्यों ने जो रथ थे, घोड़े वाले रथ, मतलब ऐसे भी बोल देते हैं, रथ और घोड़े का प्रयोग करके जीता था। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर के अंदर, तो रथ और घोड़े का प्रयोग करके आर्यों ने युद्ध जीता। तो फाइनली क्या हुआ कि आर्य बस गए इनसे जीतने के बाद, ठीक है। बाद में ये हुआ कि जो आर्य अनार्य थे, आर्य थे आपस में मिल गए, फिर एक कुरु वंश की स्थापना हुई, वो सब मैटर में अभी नहीं जाना है, ठीक है। यहां से आगे बढ़े तो अब इनका आगे क्या था कि आगे के क्षेत्रों पर कब्जा करना है, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जब ये पंजाब वाले क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे तो भाई क्या पड़ेगा? हरियाणा वाला क्षेत्र,
पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। और हरियाणा वाले क्षेत्र में यहां पर एक उस टाइम पर बोलते थे इसको कुरुक्षेत्र, क्या बोलते थे कुरुक्षेत्र। और इन्होंने क्या काम किया, सप्त सैंधव के बाद दूसरे क्षेत्र कौन से पर कब्जा किया, कुरुक्षेत्र पर। और इसके ओवर पास के जो क्षेत्र थे उनको भी अपने अधीन कर लिया इन्होंने, मतलब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में घुस गए, इधर घुस गए, इधर घुस गए, मतलब हरियाणा के ओवर पास थोड़े से क्षेत्र में। और इन सब क्षेत्रों का नाम क्या दे दिया इन्होंने, ब्रह्मावर्त। क्या नाम दे दिया, ब्रह्मावर्त। यहां तक इनका कब्जा हो गया। अब ये आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो इलाहाबाद से आगे, सॉरी यहां से आगे जाओगे आप, यमुना गंगा का बीच का ये दोआब का क्षेत्र है। देखो दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। और हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे हमारा ये क्षेत्र है इलाहाबाद से पहले के पास हमारे ये क्षेत्र है, कानपुर वाला क्षेत्र है, आगरा वाला क्षेत्र है, मथुरा वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र ये दोआब वाले क्षेत्र का ही आते हैं, क्योंकि ये गंगा और यमुना के बीच में आ रहे हैं पूरे क्षेत्र, ठीक है। या ऊपर और चले जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो ये पूरे का पूरा दोआब वाला क्षेत्र कहलाता है। तो फिर इन्होंने आगे चलकर दोआब के क्षेत्र में, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि हम ऐसे करके इलाहाबाद तक जाएं तो ये पूरा दोआब का क्षेत्र हो जाएगा। दोआब के क्षेत्र में इन लोगों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। और इसको अधिकार करके इस क्षेत्र को नाम दे दिया इन्होंने ब्रह ऋषि। देखो मैं बोला था कि हर एक चीज बताऊंगा, ब्रह्म ऋषि, ठीक है, देश इसको नाम दिया गया। तो ब्रह ऋषि देश किसको बोला गया था, दोआब वाले गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को ब्रह ऋषि देश, नहीं सॉरी हाँ ब्रह ऋषि देश बोला गया। इसके बाद इनका टारगेट क्या था आगे, कि जो हिमालय का क्षेत्र है इस पर कब्जा करो, और नीचे जो विंध्यांचल वाला क्षेत्र है इस पर भी कब्जा करो। मध्य प्रदेश के अंदर घुस गए, ऊपर हिमालय वाले क्षेत्र में घुस गए, तो हिमालय और मध्य प्रदेश के विंध्यांचल वाले क्षेत्र पर कब्जा किया। और इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या रख दिया इन्होंने, मध्य देश, मतलब इस वाले क्षेत्र को अब क्या बोलने लगे, मध्य देश। अब इनका टारगेट आगे बढ़ा, अब ये आगे बढ़े तो इन्होंने किसको कंट्रोल कर लिया पूरे को, पश्चिम बंगाल को, ठीक है। या पश्चिम बंगाल या बंगाल वाले क्षेत्र को कंट्रोल किया, बंगाली बोलेंगे, बंगाल वाले क्षेत्र को कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करने के बाद अब इन्होंने इस पूरे क्षेत्र का नाम रख दिया आर्यवर्त। क्या नाम रख दिया, आर्यवर्त। तो आप जानते हो कि भारत का एक नाम आर्यवर्त भी कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसे ही पढ़ा है जैसे मैंने आपको सारी चीजें सीक्वेंस में बताई है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर समझाने के लिए कुछ नहीं है जो मैंने बताया है कि आर्यों ने भारत पर किस तरीके से कंट्रोल किया था, किस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए। तो ये बात तो हुई कि आर्य भारत में बसे कैसे, और भारत में बस कैसे कैसे वो आगे बढ़े, कैसे कैसे किसको हराया। एक तो ये बात आपको यहां पर याद करनी है, समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा होगा, कमेंट करो फटाफट से, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखो, देखो बहुत आसान पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना आसान बना दूंगा इस पार्ट को आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने बहुत मुश्किल पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। इतना आसान बना दूंगा आपको हर चीज को, क्योंकि मैंने बोला है कि जितना संभव हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसलिए मैंने मैप भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। बढ़िया सा मैप बनाया करो ऐसी मेरी तरह, देखा छोटा सा भी प्यारा सा लग रहा है ना, लग रहा बिल्कुल आपकी तरह गोलू मोलू ऐसा, ठीक। आगे बढ़े देखोगे ऋग्वैदिक की अगर बात करें, ऋग्वैदिक काल की, तो टाइम पीरियड कितना, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। ऋग्वैदिक काल के अंदर सबसे पहली बात, ये विश्व का पहला ग्रंथ है जो हिंदी और यूरोपीय भाषा में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला पॉइंट, हिंदी यूरोपीय भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। या इसे पता नहीं भारोपीय बोलते क्या बोलते, मुझे ज्यादा हिंदी में ग्रामर की नॉलेज तो नहीं है। हिंदी भाषा और यूरोपीय भाषा में लिखा गया विश्व का पहला ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वैदिक काल। और ये लिखा किस भाषा में गया है, संस्कृत में ये लिखा गया है, और संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि इस जो देखो अभी तक क्या होता था, अगर इनकी बात की जाए जितने भी वेद वगैरह थे और भी सारी चीजें, तो पुराने टाइम पर होता क्या था कि इनको जैसे तैसे यहां वहां लिखा गया था, ऐसी कोई मतलब इनका एक संकलन नहीं था, इनको कंपाइल नहीं किया गया था अभी तक। होता ये था जैसे मान लो मुझे सब ग्रंथ याद है ऐसे मान के चलो, तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती थी उस टाइम पर कि मेरा जो भी शिष्य बनेगा मैं उसको याद कराऊंगा,
तो ये क्या था, ये मौखिक याद कराए जाते थे, लिखे नहीं जाते थे ये, ठीक है। तो इनका सबसे पहले जो कंपाइल किया था, सबसे पहले इनको लिखा था एक जगह पर, वो किसके द्वारा लिखा गया था, वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा इनको कंपाइल्ड किया गया, संकलन। वेद व्यास ने ग्रंथ को, वेदों को लिखा नहीं है, संकलन किया है। कंपाइल्ड मतलब कोई बिखरी हुई चीज को एक जगह इकट्ठा करके ले आना, उसको हम कंपाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वेदों का जो संकलन किया है वो किसने किया है? वेद व्यास ने। अब होता क्या था कि देखो, ये वेदों में आपको यज्ञ का खूब अच्छा खासा वो मिलेगा, ठीक है। यज्ञ होते थे, महिला भी शामिल होती थी, सारी चीजों की जिक्र मैं करूंगा आगे चल के। तो जब यज्ञ होता था तो यज्ञ में जो वेद के अंदर मंत्र होते थे, उन मंत्रों को पढ़ाया जाता था और उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ठीक है, उनका मीनिंग बताया जाता था। तो जो व्यक्ति उनका उच्चारण करता था उसको क्या बोलते थे? तो वेदों के मंत्र का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को होर्त बोलते थे। क्या बोलते थे? होर्त या होता भी बोलते थे। ये ऋषि परिवार होता था। क्या होता था? ऋषि परिवार होता था। ये होत या होता ऋषि परिवार होते थे, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उच्चारण करने वाले व्यक्ति को होत या होता बोलते थे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी ऋग्वेद के बारे में ये याद रखनी है। और क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज? कि ऋग्वेद के अंदर दस तो मंडल है, दस मंडल है, 1008 अष्टक है, 1028 सूक्त है, 10462 मंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मंत्र याद कर लेना, ठीक है। शायद ये संख्या आपको पता होगी, 1028 भी पता होगी, 10 मंडल भी पता होंगे, लेकिन ये मंत्र याद कर लेना, 10462 इसमें मंत्र है। अब देखोगे इसमें मंडल की अगर बात की जाए तो इसमें मंडल के अंदर 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है इनको पुराने मंडल कहा जाता है, मतलब सबसे पुरानी मंडल है, 2 से लेकर 7 तक के सबसे पुरानी मंडल है। लेकिन अगर इसमें बात की जाए पहला और दसवां, एक और दसवां, और दसवां, ठीक है, ये जो मंडल है ये नए मंडल कहे जाते हैं, सबसे नए मंडल है। पहला और दसवां सबसे नया मंडल है। अब देखो इसमें जो तीसरा मंडल है, इसी तीसरे मंडल में क्या लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। कौन से मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता, या इसको सावित्री भी लिखा जा सकता है, सावित्री देवता ही बोलते हैं इसको, देवी नहीं बोलते, देवता, सविता देवता को समर्पित है। और सविता देवता की पहचान किसके रूप में हुई है? सूर्य देवता के रूप में इसकी पहचान की गई है। तो तीसरे वाले मंडल से गायत्री मंत्र। देखो बहुत सारे क्या होता है कि हम बहुत मोटी मोटी सी चीज पढ़ गए। अब वनडे एग्जाम में आया भी, आता भी ऐसे कि बताइए गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। लेकिन अब क्या है ना, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ये बार बार क्वेश्चन ये रिपीट नहीं करेगा, अब ये पूछ लेगा आपसे, बताइए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया? अब हो कंफ्यूज यहीं पर, कौन से देवता को समर्पित है, ठीक है, उनकी पहचान किसके रूप में की गई है। तो अलग अलग जहां पर ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, एक नौवा मंडल देखोगे तो नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है, कौन सा मंडल? नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। दसवें मंडल को हम पुरुष सूक्त मंडल कहते हैं, पुरुष सूक्त मंडल कहा जाता है। दसवां मंडल कौन सा मंडल कहा जाता है? पुरुष सूक्त मंडल कहा जाता है। और इसी मंडल में, इसी मंडल में बात की गई है, क्या बोलते हैं इनको, चार इनको भागों में बांटा गया है। और ये चार भाग क्या कहलाते हैं? इसमें नंबर एक ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वर्ण व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का ये जिक्र सबसे पहले हुआ है, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है वो कहां पर हुआ है? दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। तो ये वर्ण व्यवस्था कितने भागों में थी? चार भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था थी कि समाज को यहां पर चार भागों में डिवाइड किया गया। लेकिन ये कोई धर्म के आधार पर नहीं था, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है।
तो ये ब्राह्मण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इनकी भी पहचान क्या है कि यहां पर इनका जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा जी से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रह्मा जी से हुआ है। जैसे ब्राह्मणों का जो हुआ है ब्रह्मा जी के मुख से जन्म हुआ है उत्पत्ति, और क्षत्रियों का हुआ है उनके शोल्डर कंधों से, ठीक है, वैश्य का हुआ है उनकी जांघों से, थाइस, कहीं कहीं देखने को नाभि भी मिल जाता है लेकिन जांघें ज्यादा सही है इसमें, और अगर शूद्रों की बात करोगे तो उनके पैरों से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये भी याद कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इनकी उत्पत्ति हुई कौन से, मतलब भगवान से, कभी शिव, ब्रह्मा और भी कुछ दे सकता है इसमें, विष्णु, तो ब्रह्मा जी से हुई है, तो इसमें ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का, कंधों से क्षत्रियों का, जांघों से वैश्य, पैरों का शूद्र। अब देखो तीन, ये पहले तीन इसमें वर्ण है, पहले तीन इसमें वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको श्रेष्ठ वर्ण बोला गया था, इनको श्रेष्ठ वर्ण। श्रेष्ठ वर्ण का मतलब क्या है यहां पर कि देखो मैंने क्या बोला है अभी, यहां पर ये कोई जाति या धर्म के आधार पर डिवाइड नहीं थे, यहां पर अभी मींस क्या था कि जो व्यक्ति ज्ञानी था उसको क्या बोला गया? ब्राह्मण, कोई भी हो चाहे वो, ये कोई वर्ग विभाजित नहीं था अभी तक। जो ज्ञानी था सब ब्राह्मण थे, जो सैनिक था, योद्धा था, वो सब क्षत्रिय थे, जो बिजनेसमैन था सब वैश्य थे, और जो मजदूर था, काम करने वाला वैसा था, वो सबके सब क्या थे? शूद्र थे। ये इस तरीके से व्यवस्था थी, लेकिन ये तीन जो थे ना, इन तीनों को श्रेष्ठ बोला गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और श्रेष्ठ का मतलब यहां पर ये था कि अगर मान लो कोई ब्राह्मण का बच्चा है और वो ज्ञानी नहीं है, और ज्ञानी ना होकर वो कोई योद्धा बन जाता है, सैनिक बन जाता है, तो उसे ब्राह्मण ना बोलकर अब क्या बोला जाएगा? क्षत्रिय बोला जाएगा। इसी तरीके से ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसे ब्राह्मण ना बोलकर क्या बोला जाएगा? वैश्य बोला जाएगा। इसी तरीके से क्षत्रिय का बेटा अगर योद्धा या सैनिक ना होकर मान लो ज्ञानी है तो ब्राह्मण बोला जाएगा, अगर वो व्यापारी है तो उसे वैश्य बोला जाएगा। वैसे वैश्य का ज्ञानी और क्या बोला जा सकता है, ऐसे करके था। लेकिन दिक्कत कहां से हुई शुरू कि शूद्र हमेशा शूद्र रहेगा, उसका बेटा ज्ञानी है तब भी शूद्र कहलाएगा, उसका बेटा योद्धा है तब भी शूद्र कहलाएगा, उसका बेटा क्या है अगर व्यापारी है तब भी शूद्र कहलाएगा। यहां अभी दिक्कत नहीं थी, फिर भी ऋग्वैदिक काल में दिक्कत कहां पर होती है कि जब ये उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप ले लेगी, वहां से ये दिक्कत होनी हमारे समाज में शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है। तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, मजा तो आ रहा होगा मुझे लग रहा है आपको पढ़ने में, लेकिन मैंने बोला छोटी ही वीडियो दूंगा, तो अभी मैं यहीं पर रोकूंगा लेक्चर को, आगे कल की क्लास में या परसों की क्लास में जब भी दूंगा। देखो आप ये क्वेश्चन मत किया करो मुझसे कि सर हिस्ट्री की क्लास कब आएगी, ज्योग्राफी की क्लास की, मुझे ये बताया करो कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा है, बस ये बताओ, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब करवाओ। अरे तुम्हें मजा तो मैं दिलवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं क्या पढ़ना है और तुम्हें क्या पढ़ाना है, तुम सिर्फ पढ़ो, किसी किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ा दूंगा, क्यों परेशान रहते हो कि किताब बता दो, ये बता दो, पढ़ा दो, मैं कम बता रहा हूं, कौन सी किताब में इतना मैंने बताया आपको, बताना जरा, मस्त पढ़ो, एकदम बिंदास रहो, कूल, मौज मस्ती करो, लेक्चर देखो, पूरे दिन मजा लो, ठीक है। चलो भाई इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, सभी लोग चैनल को भाई शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मजा तभी आएगा मुझे भी पढ़ने में, ठीक है, ओके बाय, टाटा, टेक केयर के।